तो आज की वीडियो में सोलो लेवलिंग के चैप्टर 3 और 4 को एक्सप्लेन करने वाला हूं, वो भी डिटेल में। तो अभी तक किसने चैप्टर 1 और 2 को नहीं देखा, उस वीडियो को जाके पहले देख लें। तो जैसे कि आप सभी को पता होगा, लास्ट चैप्टर के पूरे ग्रुप ने वोट दिया था और आखिरी वोट सांजिनू के देने के बाद डिसाइड हो गया था वो डबल एड डंजन में जाने वाले हैं, और वहीं पे वो चैप्टर खत्म हो गया था। तो ये चैप्टर बिल्कुल वहीं से स्टार्ट होता है, सभी लोग डंजन के अंदर जा रहे होते हैं और फिर वो लोग केव के अंदर काफी देर तक चल रहे होते हैं, और फिर उनमें से एक बोलते हैं कि केव कितना लंबा, ये खत्म ही नहीं हो रहा है, और फिर उनमें से एक बताते हैं हमें 40 मिनट्स हो गए इस केव के अंदर चलते चलते, और फिर दूसरा बताते के बॉस के डिफीट होने के 1 घंटे बाद गेट क्लोज हो जाते हैं, तो हमारे पास 20 मिनट्स बचे वापस जाने के लिए। और फिर हम देखते हैं सांजिनू जूही से सॉरी बोल रहा होता है कि मेरे वोट देने की वजह से तुम्हें डंजन के अंदर जाना पड़ रहा है। फिर जूही रिप्लाई में बोलती है कोई बात नहीं, मेरे बारे में इतना चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और फिर सांजिनू बोलता है सही में तुम पक्का ठीक हो ना, और फिर जूही गुस्से में रिप्लाई करती है सही बताओ ना तो मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ, मुझे इस डंजन के अंदर नहीं जाना था, और तुम्हारा दिमाग तो सही ना, लास्ट फाइट में तुम्हें बड़ी मुश्किल से हील कर पा रही थी, और तुम्हारे दिमाग में भी चोट लगी कि आखिर तुम कैसे एग्री कर सकते हो डंजन के अंदर जाने के लिए। और फिर सांजिनू मन में सोच रहा था कि मैं अभी तक सिर्फ जूही की वजह से ही ठीक हूँ, क्योंकि जूही एक बी रैंक हीलर है और वो हमेशा मुझे चोट लगने पे हील करती रहती है। और फिर संग जूही को सॉरी बोलता है, और फिर जूही बोल देगा तुम्हें सही में भी बुरा लग रहा था क्यों ना तो मुझे खाना खाने के लिए ले चलो। और फिर ये सुनने के बाद सांजिनू थोड़ा हैरान रह जाता है, और फिर जूही उसकी तरफ देख के बोलती है क्या तुम मेरे साथ खाना नहीं खाना चाहते, और संग थोड़ा शाय फील करता है जूही के अचानक से पूछने से, और फिर वो उसको रिप्लाई करता है नहीं नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। और फिर इसके बाद सभी लोग बड़े से गेट की ओर पहुंच जाते हैं, और फिर में से एक बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ पहले ऐसा देखा एक रूम वो भी एक डोर के साथ, और भले ये मेरे लिए फर्स्ट टाइम है मगर मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं मिस्टर किम बोल रहे थे कि मुझे लग रहा है कि प्लेस डेंजरस है, और फिर बैग भी बोलते हैं हाँ मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं मिस्टर सॉन्ग दरवाजा खोल रहे थे, सभी को बोल दे क्या तुम इतने दूर आने के बाद खाली हाथ जाना चाहते हो, और हम पहले हो सकते जो एक नए डेंजर को डिस्कवर करेंगे, और जो लोग वापस जाना चाहते हैं वापस जा सकते हैं, मैं अंदर जा रहा हूँ भले ही मुझे अकेला जाना पड़े। और फिर में से एक बोलता है कि मिस्टर सॉन्ग ने ऐसी बहुत सारी रेड्स करी है, और ऊपर से वो एक अग्रेसिव हंटर है और उनका रैंक भी हायर है सी रैंक के अंदर, और फिर वो सभी लोग मिस्टर सॉन्ग के साथ अंदर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और फिर मिस्टर सॉन्ग दरवाजा खोल देते हैं, बोलते हैं हाँ ये तो बहुत इजी था जैसा मैंने सोचा था उससे, और फिर वो सभी को बोलते हैं चलो अंदर चलते हैं, और फिर वो जैसे ही अंदर जाते हैं मशाले जलना स्टार्ट हो जाती है, और फिर मिस्टर सॉन्ग के देखे मैंने कभी भी पहले ऐसा डंजन नहीं देखा, और चलो अलग अलग हो जाते हैं और चारों तरफ देखते हैं क्या है, और देख के लग रहा है कि यहाँ पर बहुत लंबे टाइम से कोई नहीं आया है। और फिर हम देखते हैं वहाँ पर बहुत सारे स्टोन के स्टेचूस होते हैं, और हर एक स्टेचूस कुछ ना कुछ डिफरेंट होल्ड करके रख रखा होता है, और उनमें से कुछ तो इंस्ट्रूमेंट्स भी होल्ड कर रखे हैं। और फिर सांजिनू उन्हें देख के बोलते हैं तो बहुत सारे हैं और ये बहुत स्केरी भी हैं, और ऐसा फील हो रहा है कि लग रहा है कोई हमें देख रहा है, और फिर उनमें से एक बोलता है कि चुप हो जाओ हमें डराना बंद करो, और फिर एक दूसरा बोलता है ओ ये तो एक बहुत बड़ा स्टैचू है और तुम्हें नहीं लगता कि ये बॉस है, और फिर एक दूसरा बोलता है ना ये तो बस एक स्टैचू ही है, और फिर सांजिनू उस स्टैचू को देख के बोलता है ये तो सबसे बड़ा स्टैचू है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं सभी लोग वहां पर छानबीन कर रहे होते हैं, और फिर उनमें से एक बोलता है ये तो अजीब है यहाँ पर तो कोई भी नहीं है और ना ही कोई मैजिक बेस्ट, और फिर दूसरा बोलता है सही का, और फिर इतने में मिस्टर सॉन्ग की नजर एक सर्कल पे पड़ती है, वो कहते हैं ये क्या है क्या ये एक मैजिकल सर्कल है, और फिर पीछे से एक बंदा कहता है मिस्टर सॉन्ग यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है आपको ये देखना चाहिए, और फिर मिस्टर सॉन्ग के साथ साथ सभी लोग वहाँ पर जाके खड़े हो जाते हैं, और फिर मिस्टर सॉन्ग उस स्क्रिप्ट को पढ़ने लगते हैं जहाँ पर लिखा होता है कमिटमेंट्स ऑफ द कार्टिनॉन टेम्पल, पहला भगवान की पूजा करो, दूसरा भगवान की प्रशंसा करो, और तीसरा और लास्ट होता है विश्वास साबित करो, और इसी के बीच में जूही जिनमू को बोल रही होती है कि वो बड़े से स्टैचू के पीपल्स मूव करे वो हमें देख रहे हैं, और फिर जिनमू ये सुन के बोलता है क्या ऐसा हो नहीं सकता तुमने कुछ गलत देखा होगा, और फिर जिनमू सोचने लगता है वेट क्या ऐसा सही में हो सकता है और मुझे अजीब फील क्यों हो रहा है और यहाँ पर कुछ तो अजीब है। और फिर इसके बाद होते हैं मिस्टर सॉन्ग स्क्रिप्ट को पूरी पढ़ लिए होते हैं, उसके लास्ट में लिखा होता है कि जो इन कमिटमेंट्स को पूरा करने में फेल हो जाएगा उसे कोई दया नहीं दिखाई जाएगी, और फिर इसके बाद जो दरवाजा होता है वो क्लोज हो जाता है, और फिर ये देख सभी लोग चौंक जाते हैं, और फिर उनमें से एक लड़की बोलती है दरवाजा क्लोज हो गया अब हम बाहर कैसे जाएंगे, फिर दूसरा बोलता है मैं कब से शांत होने की कोशिश कर रहा हूं मगर अब बहुत हो गया हमें यहाँ पर आने नहीं था और मैं जा रहा हूँ, बॉस को मार के जो भी ट्रेजर मिले खुद ही रख लेना मैं यहाँ से जा रहा हूँ, और फिर वो दरवाजे के पास जाता है और बोलता है गुड लक, और फिर हम देखते हैं मिस्टर सॉन्ग जोर से चिल्लाता है बोलते हैं कि रुक जाओ दरवाजे के हैंडल को हाथ मत लगाना, मगर वो मिस्टर सॉन्ग की बात नहीं सुनता और दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, मगर जैसे वो दरवाजा खोल रहा होता है कि स्टैचू उसके ओर बढ़ता है और उसको जोर अपने त्रिशूल से अटैक करता है, और वो अटैक इतना सॉलिड होता है कि उस बंदे की वहीं पर डेथ हो जाती है, और ऐसा होते देख पूरे ग्रुप की फटी रहती है, वो बोलते हैं ये चीज मूव कर रही है और कि हमें इनसे फाइट करना पड़ेगा, और फिर जिनमू को जूही का कहा याद है सबसे बड़े स्टैचू के पीपल्स मूव कर रहे थे, और फिर हम देखते हैं पूरे ग्रुप में हड़कंप मच जाती है, वो बोलते हैं क्या ये स्टैचू मूव कर रहे हैं और हमें इनसे फाइट करना पड़ेगा, और फिर जिनमू सोचने लगता है जो भी बंदा मारा गया उसका रैंक क्या था, उसका रैंक तो डी रैंक था, इसका मतलब वो हंटर में से स्ट्रॉन्गर था तो भी वो एक ही ब्लो में मारा गया, और एक मिनट ये डंजन तो डी रैंक है ना, और मैंने कभी नहीं सुना कि डी रैंक डंजन में इतने बड़े बड़े मॉन्स्टर पूरे भरे हुए होंगे, और फिर पीछे से मिस्टर सॉन्ग बोल देगा सारे स्टैचूस मूव कर रहे हैं इसका मतलब बड़ा वाला स्टैचूस भी मूव कर सकता है, और फिर सांजिनू डरते हुए बड़े वाले स्टैचूस की ओर देखता है, और जैसे ही सांजिनू उस बड़े वाले स्टैचू की ओर देखने लगता है वो स्टैचू भी सांग की ओर देखने लगता है, और ऐसा कहते देख सांग की आंखें फटी के फटी रह जाती है, और फिर हमें एक फ्लैशबैक में आ जाता है जहां पर हमें पता चलता है सांग पहली बार जैसे लाइफ और डेथ वाली सिचुएशन में फंसा हो, वो अपनी
सबसे पहले ही रेड के टाइम में अपने ग्रुप से सेपरेट हो गया था और एक बार तो पूरे हफ्तों भर के लिए हॉस्पिटलाइज ही था क्योंकि उसको ईरिंग बीस्ट ने पीछे से हमला कर उसको बहुत ज्यादा इंजर्ड कर दिया था। और एक बार तो डंजन के अंदर उसको सारा खाना भी खत्म हो गया था जब वो बुलबुले के अंदर ट्रैप हो गया था। और इन सभी हादसों में वो लाइफ और डेथ वाली सिचुएशन में फंसा हुआ था और ये सब लोट या डंजन होने के बाद भी वो लाइफ और डेथ वाली सिचुएशन में फंस गया था। और जो हंटर्स होते हैं इन मॉन्स्टर्स को मार के जो भी मैजिकल स्टोन मिलते हैं वो इनसे पैसे कमाते हैं और अपने वेपन्स भी अपग्रेड करते हैं ताकि वो स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स को मार सके और फिर इनको और ज्यादा प्रॉफिट हो। मगर ऐसा सांजुनू नहीं कर पाते क्योंकि उसके सारे पैसे उसकी मदर के मेडिकल बिल्स में और उसकी सिस्टर के स्कूल फीस में खत्म हो जाते हैं। और अगर वो छोटा मोटा वेपन ले भी लेता तो फाइट के दौरान इजिली डिस्ट्रॉय हो जाता है और संग हर बार डंजन के अंदर इंजर्ड हो जाता है जिसकी वजह से हर बार हीलर्स को उसको हील करना पड़ता है जिसकी वजह से कई बार उसको ग्रुप में से निकाल भी देते हैं। और फिर ऐसे लोगों उसके बारे में बातें करने लगती है और उनमें से एक बोलता है कि मुझे हीलर्स के लिए बुरा लगता है जब भी वो इसके साथ रेड में जाते हैं क्योंकि ये उनका काम डबल कर देता है। और फिर धीरे धीरे सभी उसको वीकेस्ट हंटर ऑफ मैनकाइंड बोलने लगते हैं क्योंकि वो हंटर होने के बाद भी उनके किसी काम नहीं आता है। मगर इतना सब होने के बाद भी वो हार नहीं मानता और अपना काम करते रहता है। और फिर इसके बाद हम वापस अपने करंट टाइम में रहते हैं जहाँ पर संग बड़े से स्टैचू को देख रहा होता है और वो ये चीज नोटिस करता है कि ये स्टैचू कुछ तो अपनी आंख से शूट करने वाला है। और फिर वो जोर से चिल्ला के सभी को बोलते हैं कि सब नीचे झुक जाओ। और फिर हम देखते हैं वो स्टैचू उन पे लेजर बीम शूट करता है और ये लेजर बीम इतनी स्ट्रांग होती है अगर कोई इससे टच हो जाता वो वहीं पर मर जाता। और फिर हम देखते हैं बैक किम से पूछता है क्या तुम ठीक हो और फिर किम बोलता है और तुम, फिर बैक रिप्लाई करता है मैं भी ठीक हूँ। और फिर इसके बाद हम देखते हैं लड़की जोर से चिल्ला रही होती है जिसके आगे एक हाथ कटा हुआ पड़ा होता है क्योंकि जिस बंदे का ये हाथ होता है वो सही टाइम में नीचे नहीं झुक पाता है और लेजर बीम से टकराने की वजह से उसकी पूरी बॉडी खत्म हो गई इसलिए उसका ये हाथ ही बचा रह गया। और फिर हम देखते हैं बैक बोलता है सो मेनी कैजुअल्टीज इसका मतलब बहुत सारे लोग और भी मारे गए हैं। और फिर किम बोलता है हमें बड़ी मुश्किल से बचा अगर सांजिनू सही टाइम में नहीं चिल्लाता तो सब भी मारे जाते हैं। और फिर इसके बाद हम देखते हैं जूही डर के मारे जमीन पे पड़ी होती है और मिस्टर सॉन्ग सभी को जोर से चिल्ला के बोले कि सभी जैसे हैं वैसे ही रहें क्योंकि अगर तुम खड़े हो गए तो हम पे वापस से अटैक होगा। और फिर मिस्टर सॉन्ग की बात सुनकर कोई भी खड़ा नहीं होता है। और फिर सांजिनू बोलता है मिस्टर सॉन्ग जूही और फिर मिस्टर सॉन्ग जिनमू को बोलते हैं कि जूही फाइटिंग सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाती है और इसलिए वो बीरिंग हिलर होने के बाद वो इजी रेड में जाती है और ये डंजन तो कहीं से कहीं तक भी इजी नहीं लग रहा है और जो भी लोग मूव कर रहे उन पे अटैक हुआ जिन्होंने तुम्हारी बात सुनी वो बच गए। और फिर मिस्टर सॉन्ग सोचते हैं आखिर ये कैसे और फिर वो जिनमू की ओर देखते हैं बोले तुमने सभी को नीचे झुकने को बोला मतलब तुम्हें पता था इस बारे में कुछ। और फिर सांग रिप्लाई करते हैं कि मुझे बस डेंजर सेंस हुआ और सांग मिस्टर सॉन्ग को देख के चौंक जाता है क्योंकि उनका लेफ्ट आर्म कट जाता है। और फिर मिस्टर सॉन्ग सांग को बोलते हैं कि ब्लीडिंग रोकने में मेरी मदद करो और फिर सांग मिस्टर सॉन्ग को पट्टियां बांधने लगता है। और उस टाइम पे मिस्टर सॉन्ग सांग से पूछते हैं तुम्हें क्या लगता है इस स्टैचू का रैंक क्या होगा और फिर सांग रिप्लाई करते हैं कि मुझे नहीं पता मैं कभी भी डी रैंक से ऊपर डंजन में रेड करने नहीं गया हूँ। फिर मिस्टर सॉन्ग बोलते हैं मुझे एक्सपीरियंस है बी रैंक रेड का क्योंकि मैं वहाँ पर कपल ऑफ टाइम्स गया भी हूँ मगर ये तो बी रैंक के काफी ज्यादा ऊपर है क्योंकि बी रैंक डंजन में जो मैजिक बीस्ट होते हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते कि वो किसी को भी इंस्टेंट किल कर दे। और फिर मिस्टर सॉन्ग बोलते ये चीज ए रैंक के लेवल की है और या नहीं शायद एस रैंक के। और फिर वो सांग को कहते उस स्टैचू की स्क्रिप्ट में लिखा था कि कमेंडमेंट्स ऑफ कार्टिनो टेम्पल की ये है कि पहला भगवान की पूजा करो दूसरा उसकी प्रशंसा करो तीसरा विश्वास को प्रूव करो। और ये सुनने के बाद सांजिन वो बोलता है जो इन कमिटमेंट में भगवान की ये बात करें देख लग रहा है वो भगवान ये बड़ा सा स्टैचू है। और फिर मिस्टर सॉन्ग और सांजिन वो दोनों स्टैचू को देख रहे होते हैं। फिर मिस्टर सॉन्ग बोलते हैं कैसे लग रहा है कुछ समय की और बात है फिर हम भी मारे जाएंगे। और फिर इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। और अब जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि आप जितना जल्दी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करोगे मैं उतना जल्दी इसके अगले चैप्टर्स लाता रहूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय।